हुआ 2000 को। ये क्या जिंदगी, रोज रोज का रंडी रॉक। तो फ्रेंड साइड बैठ गए तो क्या नहीं, वो न्यूज़ कर लग मार रहा था। ये एयर रिपोर्ट लाया हूँ। स्मार्ट कार्ड ले ले किला के लिए स्मार्ट वन पहाड़ देखो भाई एक बार। राम राम भाइयों को स्वागत है आप सब लोग का एक नए फ्रेश ब्लॉग के अंदर। तो भाई काफ़ी दिनों बाद एक ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे और थोड़ा बहुत इलेक्शन वगैरह भी था ना, तो किधर भी जाया मतलब जाने का नहीं हो पाया। हाँ तो गाइस मैंने देखी मंजूमल बॉयज मूवी। भाई मूवी को मूवी का क्या ही बात करें, मतलब मूवी वो मूवी नहीं भाई, क्या बोलते उसको, एक मास्टरपीस टाइप बोलते हैं ना, मास्टरपीस टाइप। और एक्चुअली मास्टरपीस है ही वो, बनाया है बस 20 करोड़ में उसको बनाया है। और वो उसने कमाया 200 करोड़ समथिंग या 300 करोड़ कुछ कमाया उस मूवी ने। और मलयालम की टॉप मोस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी के लिस्ट पे टॉप पे आके बैठ चुकी है वो मूवी। बहुत ही ज़बरदस्त सिनेमा है यार, मतलब इतना इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा है ना मूवी के साथ में। आप मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि मैं मतलब रोना, लेकिन लास्ट सीन जब आता है ना, जब उसकी माँ के क्या नाम है उसका, कुंतुर, जब मेन लीड रो हीरो जो होता है मतलब जो उसको बचाने जाता है ना, क्या नाम है उसका, वही कुंतुर कुछ तो नाम है भाई। मैं वो पिक्चर पूरा मलयालम में देखा तो ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन इमोशनली हिट कर गया भाई पिक्चर। लेकिन जब वो माँ जाके उस मतलब उस बंदे को जब गले लगाती है ना, वो सीन भाई हिट कर गया है यार। वहीं पर मैंने रो दिया अभी कैसे कैसे मतलब। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। और वो भाई उसके अंदर वो जो सीन है ना, मतलब जो बंदा गिरता है सुभाष जो अंदर गिरता है भाई, क्या सीन है यार। मैं मोबाइल पे देख के मतलब 2-3 बार उसको रिवाइंड करके देखा मैं, जो थिएटर पे देखे थे उन लोग का सीन कैसा रहेगा। और एक्चुअली में रियल स्टोरी है गाइस, पिक्चर खत्म होने के बाद उन लोग के फोटो भी दिखाते जो रियल लाइफ के, जो सुभाष और जो उनकी गैंग थी जो एक्चुअल में जाके खड्डे में गिर गए थे, फिर बाद में रेस्क्यू वगैरह हो गया था। तो भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस आप लोग जाओ जाके देखो, फिर बाद में आके मेरे वीडियो को देखना, फिर बाद में कमेंट करके बताओ क्या भाई कैसी लगी मूवी। मैं तो देख के पागल ही हो गया भाई, 2 बार देखा मैं, समझ में नहीं आया, फिर एक बार समझने के लिए फिर एक बार देखा, फिर भी समझ में नहीं आया। मलयालम में देखा ना भाई तो समझ में नहीं आया, अच्छा है नीचे सबटाइटल था करके थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। लेकिन भाई वो लास्ट का सीन मिस मत करना यार, जब उसकी माँ के उसको गले लगाती है वैसे वैसे, वो सीन बहुत खराब वाला हिट कर गया भाई वो सीन। आप लोग को हिट करा कि नहीं कमेंट करके बताओ। तो गाइस मौसम बहुत ही सुहाना है, तो प्लान किया दोस्तों के साथ में अभी नालवर गुड्डा पे जाने का। नालवर गुड्डा जो है यहाँ पे मतलब 8-10 किलोमीटर दूर, तो मौसम बहुत ही सुहाना है, तो चलते हैं भाई दोस्तों के साथ। चलो फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, क्या नाम है इसका, नाम क्या बोले जी, दनगुण। तो गाइस हम पहुंच गए दनगुण पहाड़ पे। एक्चुअली मानसून का आज थोड़ा बहुत बारिश हो गया, तो सोचा कि चलते हैं भाई पहाड़ के ऊपर चल के थोड़ा बहुत चिल करेंगे। सिद्धार्थ नहीं आया अपने साथ में, मनु या रनल भाई के साथ में आया। मंजूमन बॉयज का सीन रिक्रिएट करना चाहते हैं हम लोग भाई, देखा नहीं तो मूवी ಅಮ್ಮ ಬೈತಳ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಅದು ಸಿಗ್ಬೇಕು ನೀ ನಂಬತ್ತೆ ನಂಬಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲ ಕರೇವಿ ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಆಳ್ಬಾಡ ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಬರೀ ಯಾವ್ದ್ರಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಹಾಡ್ ದೇಖೋ ಭಯ
ऐसा आना रहता है, वहाँ पे रास्ता दिखा वहाँ से, यहाँ पे वो अच्छा वहाँ पे कार आ रहा है, देखो अच्छा नीचे देखो दिख रहा है ना वहाँ पे, देखा हाँ ऐसा देखो वहाँ से कार आ रहा है, वहाँ पे नालवार शहर है, ये मेन रोड यहाँ से ऐसे जाता, इधर आगे गए तो लालनापुर लगा। सर क्या बात, ये बात है रेस्क्यू माड़े बिल्ले मस्त प्लान है आड़ोले नी बुलांगे दे ये जा छोड़ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೋ ಭಯ ಅರೆ ಬಸ್ ಕರ್ ರುಲಾಯೇಗಾ ಕ್ಯಾ ಏ ತುಮ್ ಲೋಗ್ ದೇಖೇಗಾ ಭೈ ಲೋಗ್ ಇಸ್ಕೋ ಕುಚ್ ಪುರಾನೆ ಜಮಾನೆ ಕಾ ಗಮ್ ಮೇ ಕರ್ತೆ 90s ಕಿಡ್ ಹೈ ಪೈದಾ ಹುವಾ 2000 ಕೋ ಪೈಸಾ ಬರ್ಬಾದ್ ಪೆ ಯಾರ್ ಹುಡುಕಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾ ಅದಿ ಸಬರ್ ಕುಚ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಾ ಜಮಾನಾ ಹೈ ಅದಿ रोज रोज का भाई रणजीत रोना अच्छा नहीं लगता। चलो भाई लोग चलते हैं घर की तरफ, घंटा डेढ़ घंटा बैठ के जरा संसार की बातें करके एक दूसरे के फीलिंग शेयर करके बस हो गया अभी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, और पहली बात तो मूवी जाओ देखो, मूवी बहुत ही जबरदस्त है, मूवी देखो जाके। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, कमेंट करके जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी, और इस ब्लॉग के अंदर कौन सा पार्ट अच्छा था वो भी कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, वो भी बहुत जल्दी आएगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।